दोस्तों आदाब अर्ज़, मैं अनीस अहमद खान आपसे मुखातिब हूँ। एक बहुत ही ताज़ा खबर आ रही है, हौस बोले हैं दत्ते हौस बोले, उनको सरकारी वाहक की जिम्मेदारी दे दी गई है भैया जी जोशी की जगह। ये चुनाव सरकारी वाहक का बेंगलुरु में हो रहा था, ये सेकंड नंबर की पोस्ट होती है। हम आपको बताएं कि जो दत्ता हौस बोले हैं ये मोदी जी के बहुत करीब है। मोदी जी काफ़ी दिनों से, कई सालों से इस कोशिश में थे कि इनको आरएसएस में इस्टेब्लिश कर दिया जाए और इस पोजीशन पे इस्टेब्लिश कर दिया जाए कि सेकंड इन कमांड हो जाए। अब दत्ता हौस बोले को जैसे ही वो मिली, इसके साथ ही अनुमान लगाया जाने लगा कि संघ के कई बड़ी बड़ी पोस्टों पे कुछ बड़े मेजर चेंजेस होंगे। वो चेंजेस होंगे सत्तारूढ़ पार्टी के मतलब की वजह से। वैसे देखा जाए तो सुरेश भैया जी जोशी जो अपने बीमारी की वजह से, अस्वस्थता की वजह से उन्होंने स्टेप डाउन हो गए 12 साल से, यानी 2009 से संघ के सबसे महत्वपूर्ण सरकारवाही के उसके कार्यवाहक के पद पर, इसी पद पर थे। सूत्रों की माने तो कार्यवाहक के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी जिसको कहते हैं सुरेश सोनी भी स्वास्थ्य के चलते सर कार्यवाहक के पद से मुक्त किए जा सकते हैं। सर कार्यवाहक सुरेश सोनी की जगह नए सह कार्यवाहक की नियुक्ति हो सकती है। फिलहाल संघ सुरेश सोनी समेत 6 सर कार्यवाहक हैं, जिनमें दत्ते हौस बोले, कृष्ण गोपाल वी भगैया, मुकुंद सियार, मनमोहन वैद्य हैं। इनको है सूत्रों के अनुसार अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख अरुण कुमार की पदोन्नत करके यह सरकार वर्ग की जिम्मेवारी दी जा सकती है। अरुण कुमार की जगह सुनील कन्नी अम्बेकर को अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख की जिम्मेदारी दी जा सकती है। संघ के सूत्रों की माने तो संघ से बीजेपी में गए पूर्व बीजेपी महासचिव राम माधव की संघ में वापसी हो सकती है। राम माधव इस वक्त बीजेपी के जो कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के जो कोऑर्डिनेटर है वो है, उन्हें संघ के विदेश विभाग में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि अब भी वो विदेश विभाग ही देखते थे। इसके अलावा कई क्षेत्रीय प्रचारकों और प्रांत प्रचारकों के कार्यों में फेरबदल किया जा सकता है और उनको पदोन्नत भी किया जा सकता है और नीचे भी किया जा सकता है। ये बैठक बेंगलुरु में हुई और काफ़ी दिनों बाद भैया जी जोशी का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, उनको हटाया नहीं गया है, स्वेच्छा से वे एक तरफ हो गए और दत्तात्रेय हौस बोले उनकी जगह पर नियुक्त हुए हैं। ये बहुत बड़ी पोस्ट है, मोदी इनको ही चाहते थे कि इनको यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया जाए। काफ़ी कोशिश की इन्होंने, नहीं हो पाए। अब अंततः उनको ये जगह मिल गई। तो ये समझ लीजिए, एक किस्म से ये भी समझना पड़ता है इसके पीछे कि अब आरएसएस मोदी जी के पूरी तरीके से हाथ में है। इसी के साथ खबर छोटी है, चूँकि अचानक जल्दी है, हमने आपको समझा कि आप तक एक खबर पहुंचा दी जाए। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।